आज मैं एक मैसेज सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा था सेवक। अंत में उसने कहा आशीषों के ऊपर था, खुदा आपके बच्चों को आशीष देगा, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट बताया था उन्होंने कि जो सफरिंग में से गुजरता है ना, जो दुख में से गुजरता है, यदि आपके ऊपर दुख है ना, तो फिर आपको सही तालीम नहीं मिली, फिर आपके ऊपर कर्ज है। यदि आपके जीवन में दुख है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में नया जन्म पाए हुए बंदे की जीवन के ऊपर जब हम गौर करते हैं, पौलुस कहता है हम खुदावंद खुदा की लिखी हुई बातों में इंसान की अकल की बातों को मिक्स नहीं करते। हालेलुया। दूध प्योर ही होता है, यदि थोड़ा सा उसमें खट्टा डाल दो ना, तो फिर वो सारे का सारा खराब हो जाता है थोड़ा सा डालने से। वैसे ही परमेश्वर की बातें जो उसने लिखकर दी 66 किताबों में, इसमें थोड़ी सी भी आपने अपनी अकल की बात बीच में जोड़ दी तो जो कलीसिया है वो बेचारे चक्कर में पड़ जाते हैं कि पता नहीं क्या चक्कर है। हालेलुया। सो इस बाइबल में लिखा है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपनी स्लीप उठाकर मेरे पीछे आए, तो वो मेरा शागिर्द है। कौन भला हाल है, कौन शागिर्द है जी? इंसान क्या कहता है उसको नहीं सुनना, बाइबल में लिखा गया है। जैसा कुरिन्थियों के खत में कई बार बता चुका हूं 17:11 में कि संत पौलुस ने वहां पर बहुत अच्छा विचार पेश किया और वहां पर लिखा है कि उन्होंने बड़े दिल की चाहत से पौलुस से खुदा की सारी बातें सुनी, परंतु किताबों में ढूंढते रहे, खोज करते रहे कि संत पौलुस ने जो बताया है वो कलाम के अनुसार है कि नहीं। आज मुसीबत यही है, सानू सुनना चंगा लगता तो वाह वाह करनी चंगी, बड़ा जबरदस्त पास्टर ते बड़ा तगड़ा मसा सी, ओ बाइबल जो बोल रहा कि नहीं बोल रहा ये सानू कोई लेना देना नहीं। तो यदि कलाम साक्षी देता है, उसके ऊपर मोहर लगाता है, तो वो बात क्या है? सच है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि ये तंग मार्ग है कि खुला गया तंग मार्ग की है जी? तंग मार्ग। पौलुस कहता है कि हमने बड़े ही दुख सहकर उसकी बादशाहत में, फिर खुदा का बंदा कहता है कि जिस पर मुसीबत ना आई। पंजाबी में तो वो शब्द बोलते हैं, तो उर्दू का वो शब्द है, लेकिन पंजाबी में समझ बोलते हैं तो वो लगता है जैसे गाली है। पंजाबी च लिखा हरामदा, हरामदा का मतलब लकी हुंदा जिहड़ा अपने बाप का ना हो। हिंदी में कहते हैं हराम ज्यादा, असल में ये उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है कि ये अपने बाप का। तो ये कलाम कहता है कि जिस पर मुसीबत ना आई, मसीह में आने के बाद जिसकी जिंदगी में मुसीबत ना आई, परेशानी ना आई, मुश्किल ना आई, वो अपने बाप का ही नहीं। जब कलाम सुनते हैं तो बड़ी बारीकी से बड़े ध्यान से देखना चाहिए, जो बात कलाम के अनुसार है उसे मानो, जो कलाम के अनुसार है उसे नहीं मानो। तो तीसरे आकाश के दर्शन के बारे में जब पौलुस बताता है ना, तो उसके बताने के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि वहां की जिंदगी ही इस जिंदगी से अलग है। वहां की तुलना में यदि यहां की बातों को पेश किया जाए तो बात बनती, वहां के कानून वहां के नियम ही कुछ अलग हैं, और वहां की पवित्रता ही, वहां की पाकीजगी, वहां की होलीनेस जैसी मैंने देखी है वैसी मैं इंसानों में पाता नहीं हूं। और कलाम कहता है कि बिना होलीनेस के कोई परमेश्वर के नजदीक भी जा सकता। सबसे बड़े ज्ञान की बात पता कौन है? प्रचार बहुत है बाइबल में, 66 किताबें हैं, मर गए लोग प्रचार करते करते, खत्म नहीं हुआ मुकाश हुआ, प्रकाश खत्म नहीं हुआ। हर बार जो भी खुदा का कदम उठता है उसके ऊपर एक नई बात खुदा खोलकर उसको देता, खत्म नहीं हुआ। इसीलिए इसको सागर कहा गया, समुन्द्र कहा गया, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन जो सबसे सारा इसका निचोड़ जो है वो क्या है? परमेश्वर पवित्र है और उसने पवित्र लोगों को बुलाया है। क्या है जी? बोला परमेश्वर पवित्र है
और उसने पवित्र लोगों को बुलाया है अपने राज्य में। हालेलुया। लेकिन जिनको बुलाया है वो पवित्र थे नहीं। हालेलुया। जिनको बुलाया वो पवित्र नहीं थे, अपने ही लहू से उनको पहले पवित्र किया और एक पवित्र समाज की, एक पवित्र कलीसिया की स्थापना की, शुरुआत की है उसने। वो खुद ही पवित्र हमको बना रहा है। लिखा है कलाम में कि उसका कलाम हमें पवित्र करता है। तो जितना इसको ग्रहण कर जाएंगे पवित्रता उतनी उतनी बढ़ती जाएगी, और जब उसकी मानित हो जाएंगे फिर इस संसार में रहने भी देता। मैं कई बार सोचता लोग शहर पवित्र इसे करके नहीं होना चाहते, सोचते भी शहर पवित्र हो गए तो फिर तो काम ही खत्म हो जाना है। हाँ जी, कहते रह तो थोड़ा बहुत एडा बारिशा रह तो संसार देर लगा हुआ तो इदा ही माड़ा मोटा चलन दो है ना। लेकिन काम क्या है, ऊंची बुलाहट का सबसे सिस्टम क्या है, उसने एक पवित्र समाज बनाया है और उसको कामिल करता जा रहा है। हालेलुया। क्या लिखा कलाम में, हम अंश अंश करके उसकी सूरत में बदलते। हालेलुया। सो उसकी सूरत में बदलने के लिए ही हमें बुलाया है, और वो वही बदलेंगे जो ऊंची बुलाहट में होंगे। हालेलुया। सो सीख लिया था हमने, दूसरा पॉइंट देखा था कि तीसरे आकाश के दर्शन के लिए इस संसार से मरना पड़ता है। हालेलुया। जो तो इस संसार के लिहाज से जीवित है वो उस ऊंची बुलाहट को कभी पहचान सकता नहीं, वो तीसरे आकाश की बातें कभी भी समझ आ सकती, कभी भी समझ नहीं आ सकती। तो इसलिए जरूरी है कि वो पहले इस संसार से कटे, उसका इस संसार से डिस्कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। तो पौलुस ने जब ये बातें लिखी, लोगों ने सवाल किए, तभी उसने फिर खोल खोल कर बताया। वो कहने तुसी शरीर के बड़े खिलाफ बोल दे हो, तुसी कहने शरीर दे विच जीना नहीं फलाना टपकाना बड़ा कुछ बोल दे हो। सो पौलुस क्या लिखता है फिर, मैं भी शरीर में जीता हूं, मजबूरी है। क्या बोलता है भला, जीना मसीह मरना लाभ, मैं जी रहा हूं, जीना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि जीना मेरे लिए मसीह है। यदि मैं मर जाऊं तो सीधा उसकी गोद में, वो मुबारक है मेरे लिए बात। यदि मरूंगा तो सीधा उसके पास जाऊंगा, बोलता मेरी मजबूरी है कि मैं हूं तो शरीर में लेकिन शरीर के अनुसार चलता। हालेलुया। कितना नहीं चलता भला, शरीर के अनुसार। वो मैं शरीर के अनुसार चलता क्यों, क्योंकि मैं समझ गया हूं शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा, यदि तो मैं शरीर की मानूंगा तो मैं आत्मा की मुखालफत करता हूं, उसका विरोध करता हूं। इसलिए मैं शरीर में रहता तो हूं परंतु शरीर की इच्छा, जिसको शरीरकता बोला गया है, शरीर की इच्छा के अनुसार मैं चलता नहीं, मैं आत्मा की बातों को समझता हूं, आत्मा के अनुसार ही जीवन जीता हूं। इसलिए फिर उसने क्लियर कर दिया आत्मा की ऊंची बुलाहट में जाकर वो क्या कहता है कि अब ये संसार इस ज्ञान की उत्तमताई के कारण ये संसार मुझे कूड़ा नजर आता है। की लगता है भला, तो फिर अमरीका की करना है कूड़ा चक्कर बोलो। पौलुस की नजर में जिसने तीसरे आकाश का दर्शन पाया ये संसार उसके लिए कैसा है, तो असि कूड़े के संसार लभ रहे ना। बोलो, वो बोलता है ये संसार कूड़ा है, गंदगी से भरा हुआ है और हम इस गंदगी में संसार को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो सोच है ना वो संसारिक सोच है। अभी तीसरे आकाश के दर्शन की तरफ हमने अपना कदम बढ़ाया नहीं। जब तीसरे आकाश की तरफ हम दर्शन बढ़ाते हैं ना, उस दर्शन की तरफ अपना एक कदम भी बढ़ाते हैं तो फिर सिस्टम बदल जाता है। हालेलुया। पौलुस कहता है नहीं ना मिलाते। पौलुस को जब खुदावन खुदा ने बुलाया, उसकी पोस्ट जो थी वो क्या थी, कई बार सुन चुके हैं, बोलो की सी भला, रोमी सरकार के विच उहदा रुतबा की सी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। की है भला, एक एसपी दा रुतबा है उहदा रोमी सरकार के विच, जिस सरकार के विच सिपाही की नौकरी पाउणा मुबारक समझा जांदा सी, उसमें वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। प्रभु का दर्शन हो गया, अब यदि मेरे जैसा आदमी वहां पर होता तो क्या सोचता, दिमाग में प्लान क्या चलनी थी, अच्छा मैं एसपी हूं, प्रभु ने तो मेरे से बात कर ली, मुझको अंधकार के वश में से उसने क्या किया भला, निकाल लिया, मुझको पता चल गया मैं जहां पर था वहां पर गलत था, अब मुझको सच्चाई का पता चल गया है,
तो अब मैंने लोगों के साथ डीलिंग कैसे करनी है। तो क्या उसके मन में विचार आना था यदि हम होते, अच्छा एसपी की नौकरी नहीं छोड़ दे, अंदर खाते काम कर दे, क्या प्लान करना था? बोलो सारे ने बंदे चुक चुके लिया गया ना, अंदर आके प्रचार दसा करूं, तहखाने के लिए आ गया ना, प्रभु यीशु मसीह जीवता खुदा है। तो क्या बोलता है, मैं खुदा की बातों में इंसान की अक्ल को मिक्स नहीं करता। हालेलुया। आज हमारी मुसीबत जो है ना वो यही है, असि कहने आ भी चली जाए तो नाल, लेकिन उसने की ऐसा किया, जब तीसरे आकाश से प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी, उसके साथ बात की रोशनी और शब्द के द्वारा, तो फिर दोबारा गया जी अपने एसपी की नौकरी देते। बोलो हौली हौली जने सारे बोलो, अपनी नौकरी पर गया जी, गया कि नहीं गया? उस वक्त का बिजनेसमैन भी था वो, उसका घराना बहुत ऊंचा था, उनके अपने जो जो मालवाहक शिप है ना ये चलते थे सामान ढोने के लिए। आज की नजर में अगर देखा जाए तो वो अनिल अंबानी जैसा अमीर आदमी था उस वक्त, अपने बिजनेस पर गया जी? नहीं। हाँ जी नहीं। वो सोचता था चलो मेरे को इन्ने करोड़ रुपये भी है, रुतबा भी बढ़िया है, तो इदा करते हैं जेडे मसीही लोग बेचारे लुक छुप के जिंदगी गुजारे जंगलों में गए हुए, मैं पैसा जो बिजनेस करूंगा कमाऊंगा उन्होंने मदद करांगा, ते प्लस जी अपनी नौकरी का जो एस पी है मैं ओदे रुतबे को इस्तेमाल करता होया मैं अंदर खाते जो काम करता जावगा। लेकिन उसने ऐसा किया ना, अपनी नौकरी पर गया ना अपने बिजनेस पर गया। हालेलुया। कहां गया? खुदा के। बोला था कितने गए भला? खुदा दे। पागल जहा बंदा नहीं लगता तुम अज के हिसाब से जिदा पास्टर लोग दसते पे, शदाई लग रहा ना बंदा सानू, असि अगर अपनी अकल के देखिए तो साड़ी नजर के हिसाब ना साड़ी अकल के हिसाब ना पालूस जरा सब तो बेवकूफ बंदा नहीं लग रहा सानू। आज तो इस पुलपट से खड़े होकर तो यही बताया जाता है शिप बन जाने हैं, प्रभु यीशु को कबूल करो, शिप के मालिक हो जाओगे, जहाज भी तो चलेंगे, बिजनेस भी बड़ा बड़ा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उल्टा सिस्टम है, क्यों? क्योंकि ऊंची बुलाहट की पहली पहचान ही यही है कि खुदा खुदा आपके मन को ऐसा करता है कि इस संसार से आपके दिल में नफरत होती है। हालेलुया। यदि तो संसार से जुड़ा हुआ मन है तो फिर परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। हालेलुया। तो हमने कुर्सियों के खात्मे इसका दर्शन देख लिया था कि सो जो अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की कहना चलना जी, असि पास्टर कल ही कहने दुआ कर दे 10-20 हजार हो जाए तनखा जी। बोलो हाँ जी, हम क्यों कहते हैं ग्रीन ग्रून कार्ड मिल जाए? बोलो सारे ने, क्यों अमेरिका की सिटीजनशिप चाहते हो? तुम दसो मैं, हाँ जी यहां पे क्या लिखा बोला? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। साढ़े 10 साल के ग्रीन कार्ड की खोज नहीं आने, तो 15-20 साल के गए। हाँ जी, सो कलाम क्या कहता है, हमारी अकल क्या कहती है, और यहां पर खड़ा हुआ खादम क्या कहता है, चेक करो। हालेलुया। सो कलाम के द्वारा हम बुलाए गए हैं तो किसकी सुननी है बोला? यहां पर क्यों आते हैं? इकबाल गिल की बातें सुनने, कदी गल सुनने आने बोला? खुदा के उस कलाम की बातें सुनने आते हैं जिसमें हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। तो हमेशा की जिंदगी तो आपको तब मिलेगी जब मैं इसको सुनाऊंगा, यदि इससे हटकर बोलूंगा तो आप हमेशा की जिंदगी में प्रवेश कर सकते। तो कलाम कहता है कि वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा। हालेलुया। और फिर देखा था पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तीसरी वर्ष में देखा था क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो छिपे हुए के ऊपर भी हमने गौर किया था कि यदि हम पर कोई खाल चढ़ा दी जाए, हम किसी चीज में छिप जाएं, तो नजर कौन आएगा? जिसमें छुपे होंगे वही नजर आएगा।
तो यदि हम मसीह में छुपे, हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है, तो फिर मसीह नजर क्यों नहीं आता? हालेलुया। तो कितना नजर आता है, एक फोटो देखते हैं फिर तुम्हें जल्दी समझ आ जाना है ना। आना कौन चाहिए बोला हमारे बीच में, अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर बदला हुआ। यदि अंदर से बदला हुआ है तो फिर बाहर से भी बदला बदला नजर आएगा। यदि अंदर से नहीं बदला तो फिर बाहर से भी बदला हुआ नजर आ सकता नहीं आ सकता। हालेलुया। तो एक तस्वीर देखते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, अगर मिल गई तो। आज ऐसे देखते हैं ना, हाँ जी, ऐसे लोग भी कहते हैं ना हम मसीही हैं, कहते हैं कि नहीं जी, हाँ जी, इस बंदे की बांदर जैसी शक्ल को देखकर कौन कहेगा कि इसके अंदर मसीह का आत्मा है? बोलो सर, हाँ जी, ये जितना मर्जी की रौला पाई जावे कोई यकीन कर लूगा? क्यों? हमने जैसे उदाहरण ली थी, फल जो है ना जब अंदर से पकता है तो बाहर से उसकी सूरत जो चेंज होती है। कुछ लोग कहते नहीं बार बूर से छोड़ो, तुम बार बूर को नहीं लेना देना, खुदा अंदर से देखता है। हालेलुया। खुदा अंदर से देखता है, दुनिया ने बाहर से भी देखना है, क्योंकि दुनिया के लिए हमें एक नमूना बनना है। सो जब फल की जो सूरत है जब अंदर से चेंज होता है तो बाहर से भी चेंज नजर आता है, तो बाहर से पता चलता है, फिर जो गार्डनर है ना वो उसको उतारता है कि ये पक चुका है। तो यदि उसकी बाहर से सूरत बदले ना तो कभी बाहर वाला बंदा पहचान नहीं सकता कि ये अंदर से पक चुका है। उसी तरह यदि तो मैं अंदर से पक गया हूं तो मेरी बाहरी सूरत से वो नजर आना शुरू होगा। बाहर से लेख देखकर लोग गवाही देंगे अब ये वैसा नहीं। अब अगर ये बंदा मसीह को कबूल कर ले तो इसके मुंह में ये सिगरेट आपको नजर आएगी बाद में? नहीं। एक अबे बाद मैं तो बाहरों बुल्ला के नाल ही पीन दिया यसु के अंदरों देखता। बोलो सारे ने की होगा भला, है सिगरेट कितों पीन दिया भला? मैं अंदरों थोड़ी पीन दिया सिगरेट, कितने पीन दिया? तो लोग जब इसको देखेंगे ना दोबारा बदले हुए को, तो इसके हाथ में ये सिगरेट नजर अपनी इस शक्ल को जिसको अब ये दोबारा बदल नहीं सकता, इस शक्ल की वजह से कितना दुखी है यहां पर खड़े होकर बताएगा कि ये मेरी मजबूरी है कि अब इस चेहरे को मैं चेंज नहीं कर सकता। ये शक्ल मैंने तब बनाई थी जब मैं मसीह में नहीं था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मैं इस शक्ल को तो चेंज नहीं कर सकता, परंतु मैं अफसोस में हूं। हालेलुया। तो सारी जिंदगी जो रो रो कर जीवन गुजारेगा और इसका जो रोना है लोगों में वही बताएगा कि ये बंदा अंदर से क्या हुआ है, बदल गया है। हालेलुया। इस बहन को भी देख लेते हैं, जब ये मसीह में नहीं होगी तब कैसी होगी? हाँ जी, तो अब कलीसिया में आ सकती है इस कलीसिया में ऐसी औरत? हाँ जी, एक बार तो गलती से आ जाएगी तो अलग बात है, दूसरी बार हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर जी दोबारा अगर आना है ना तो ये चलने वाला, ये चलने वाला नहीं। हालेलुया। बेशक आप कितनी भी धनवान हो, कितनी भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन इस सूरत में हम आपको कबूल कर सकते? हालेलुया। लड़कियां गुआया। हालेलुया। पहली बार जब आए थे ना तो जैसी जिस कलीसिया में चलता था उसी रूप में आए थे, तो भाई को मैंने बोला था ना, की बोला थी, हाँ जी, भाई को फोन करके स्पेशल बोला कि अब नेक्स्ट जब उन्होंने आना है ना तो ये नहीं चलेगा। हालेलुया। अब कौन सा चलेगा? अब जैसा मसीह बताता है, तेरा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है, तू नजर नहीं आना चाहिए, तेरे सूरत जो है वो मसीह की सूरत नजर आनी चाहिए। हालेलुया। सो ऊंची बुलाहट में ऐसा इंसान रह सकता? हुण दसो किहड़े लेवल तो बंदा लगता है,
बोलो। तो अब ये यहां पर खड़ा होकर अगर गवाही दे तो ये बारह बोलो तो देखो जी मैं अंदर से, जिस दिन ये अंदर से बदलेगा ना ये उतनी देर चर्च में नहीं आएगा जितनी देर इसके सही ढंग के बाल नहीं आ जाएंगे। ये यदि ऐसा रहता है तो उसका सबूत क्या है? अभी इसका जीवन मसीह में छिपा, तुम तो मर गए थे। यदि ये बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा रहता है तो फिर ये मरा नहीं। कौन है फिर ये? यदि बपतिस्मे के बाद भी ये ऐसा ही रहता है कलीसिया में तो ये क्या है बोला? ये मरा नहीं, ये वही है जो था। इसका जीवन अभी मसीह में छिपा हुआ, यदि मसीह में छिपा होगा तो फिर मसीह नजर इसकी जिंदगी में आना शुरू होगा। ये ऐसा रह सकता नहीं। तो ये ब्यूटी पार्लर पर जाकर ऐसे फैशन करेगा? क्यों नहीं करेगा भला? बोलो। हाँ जी, क्योंकि इसने हर तरह से अपने जीवन, इसने सिर्फ यहां पुलपुट पर खड़े होकर अच्छी गवाही नहीं देनी है, बल्कि इसने हर तरह से दुनिया में जाकर अपने मसीही जीवन को बयान करना है। और इसका बदला हुआ जीवन इसके लिए वो गवाही, कई बार हम बोल चुका कि मैं यहां पर गवाही दूं कि मैं डाकू था, अभी मसीह का सेवक बन गया हूं, ये गवाही नहीं है। मैं डाकू था, लोग मुझे अब मसीह के सेवक के रूप में देखते हैं और लोग कहते हैं कि अब वो डाकू रहा नहीं। हालेलुया। दूसरा आपकी गवाही जब देगा तब आप मसीही हो। इस किताब में लिखा है अंताकिया की कलीसिया में शगिर्द पहली बार मसीही कहलाए। हालेलुया। कब कहलाए बड़ा मसीही? जब लोगों ने पूरे का पूरा उनका जो सिस्टम था जैसा मसीह था बिल्कुल उनको वैसा ही पाया। हालेलुया। सानू कोई शक्ल साड़ी देख के कहिंदा कि मसीह है, कहिंदे लानती बंदा आ। की कहिंदे भला? इन्हें तो मसीहत जाके मसीह का नाम भी जरा ना वह भी फिनिश कर दिता। ये बिल्कुल ढोंगी बंदा है, पखंडी बंदा है, ये मसीह ने सूरत फड़ी नहीं। क्योंकि ऊंची बलाहट में जब ये जाएगा ना, ये जिस्मानी किसी भी तरह से रह सकता, ये जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ मोहब्बत कर सकता, जिस्म के साथ नफरत हो जाएगी इसको, ये ऐसा बन जाएगा। और पड़ोस की तरह फिर कहेगा जब तक जीवित हूं मसीह में हूं, यदि मर गया तो उसकी गोद में हूं। हालेलुया। तो ऐसे फिर ये सिस्टम जो है ना ये चलने वाले नहीं है। क्यों नहीं है भला? हुण इहनू दसो भी तेरा दिमाग खराब सीगा, एक पौंड दी इजाजत दित्ती सी पुराने जमाने च जनानी ने, वह भी कुछ किसी वजह करके, है ना। इहने की कीता भला? इहने भला क्यों कीता? इदां इहने रखना इक्को ही सीगा, और एक फिर बंदे पाउन लग पे। की कीता भला? पहला एक पाउंदी सीगी, फिर एक कौन पाउन लग पे? इहनू गुस्सा आ गया, फिर कहिंदी बंदे विच ते मेरे च की फर्क आ गया, मैं भी एक पाउनी आ ते ओह भी। कहिंदी फिर एक नहीं, हुण जिन्ना कांडिया ना। फिर बंदिया ने भी देखो देखी करना शुरू कर दिता, इन्हें फिर जीव दे विच भी पा लिया। अब बताओ जेनेसिस चैप्टर 1:26 के अनुसार ये औरत कह सकती है कि मैं परमेश्वर की लाइकनेस और इमेज पर बनाई गई हूं? हां जी बोलो। सारे ने एदी शक्ल नू देख के, एदे सिस्टम नू देख के ये तो कहा जा सकता भी ये बलीस शैतान की शक्ल सूरत दे उत्ते बनाई गई, लेकिन परमेश्वर की सूरत पर बनी है। इसकी शक्ल को देखकर एक नास्तिक आदमी भी कह सकता, लेकिन गुनहगार को लिखा ना गुनाह करने का बहाना चाहिए, तो उसके पास फिर वही है कि खुदा अंदर से देखता है बाहर से नहीं। वो जब कहा था ना सैमुअल नबी को, उसकी कोई वजह थी जिसके कारण वो शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन गुनहगार ने जिस्म के तरीके से जीने के लिए उस शब्द को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। वापस चलते हैं उसी शब्द पर कि तुम तो मर गए थे। हालेलुया। तो यदि मर गए हैं तो फिर दफनाए भी गए बपतिस्मा की सूरत में,
तो जब बपतिस्मा की सूरत में दफनाए गए तो हमने फाइनल किया कि अब मैं जिंदा, मेरा पुराने मनुष्यत्व के साथ कोई भी रिश्ता रहा, अब मैं अपने बनाने वाली की लाइकनेस और इमेज पर बनना चाहता हूं। वो सूरत जो बागे अदन में बिगड़ी थी, अब दोबारा मैं फिर उसी सूरत पर बनना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तुम अपने बनाने वाले की सूरत पर बनते जा रहे हो, और यदि बनाने वाले की सूरत पर बनते जा रहे हो तो उसकी क्वालिटियां तो हम लोगों को पता ही है ना, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। वो जो आत्मा है उसकी फिर क्वालिटियां आगे लिखी गई हैं। तो परमेश्वर में प्रेम है, वो बुरा नहीं मानता, वो झुंझलाता नहीं है, वो माफी का दाता है और बहुत हद तक बर्दाश्त करने वाला है, लेकिन सजा दिए बिना छोड़ता भी, उसकी आदत को समझना है। हालेलुया। तो ऊंची बुलाहट में सबसे जरूरी, और आखिरी बात करके समाप्त कर रहा हूं, कि ऊंची बुलाहट में सबसे जरूरी जो बात यह है, हमने अपने बनाने वाले की आदत को समझना है। जब उसकी आदत समझ में आ जाएगी तो उसमें चलना बिल्कुल भी, लोग कहते हैं कि परमेश्वर में चलना बड़ा मुश्किल है, जितना आसान परमेश्वर में चलना है उतना कोई भी मुश्किल काम, बाकी सारे मुश्किल हो सकते हैं, परमेश्वर में चलना सबसे आसान काम है। सिर्फ उसकी आदत को समझ लो। हालेलुया। पत्नी ने सुख के दिन गुजारने हैं तो किसकी आदत को समझना है जी? कैदी आदत? बोला बोलो जी, कैदी आदत? नो तो ये पति ने सुख ना रहना दे, बंदा उतना औरत को दुखी नहीं कर सकता, यदि औरत अपने पर आ जाए तो जितना दुखी बंदे को कर सकती है। औरत बहुत दूर जाकर, बहुत देर बाद जाकर आत्महत्या करती है, बंदे नु ते महीने दे विच ही किनारे ला देंदी जे अपनी आई ते, है ना। तो अब आदत को जब समझ जाओगे ना तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई कह, तेरा बंदा तेरे पर इतना रोब डालता है तू इसको कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ नहीं दी, आदत है। की है भला? तो झगड़ा होगा फिर? बोलो तारण, तेरी इतनी बेइज्जती कर देता है तेरी सहेलियों के सामने, तू कुछ बोलती क्यों? कुछ नहीं दी, आदत है। हाँ जी, तेरा समझदार बंदा, यार तेरी जनानी तेरे सामने बोल गई, तूने चांटा क्यों नहीं मारा? छोड़ो जी, ओदी आदत है। कभी झगड़ा होगा जी? हाँ जी, कभी भी हो सकता, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की आदत को समझ गए हैं। जिंदगी खुशहाल हो जाती है जब हम एक दूसरे की आदत को समझ लेते। हमारी मुश्किल क्या है कि हमने एक दूसरे की आदत को समझा, थोड़ी तो मैं इन्नी बेइज्जती कर दिता है, तुम बर्दाश्त कर देंगे, भला क्यों? बोलो सारे ने, बोलो सारे ने, बेच कर दिता है, क्यों बर्दाश्त कर देंगे भला? अगर तुसी मेरी आदत तो वाकफ ना हो तो तुसी कहना यह पास्टर सानू चाहिए जेड़ा सारे ने बेच ही साड़ी बेइज्जती कर दिता है, तो क्यों बर्दाश्त करते हो भला? आदत का पता लग गया भी ये साड़ी बेइज्जती इसलिए नहीं करता भी ये अपनी टौर बना चाहता, कहदे लई भला करता है? साड़ी बेइज्जती इस करके होंगी भी साड़ा उहदे विच भला छुपया है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर की आदत समझ आ जाती है ना, तो फिर हनोक जैसा बंदा 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता है। हालेलुया। कितने साल जी? साढ़े को तीन दिन नहीं चलिया जाता, वो कितने देर तक चला? 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मूसा को 80 साल की उम्र में बुलाया, पूरी वफादारी के साथ खुदा के साथ 40 साल तक चलता रहा। सो संत पालूस जैसे लोगों को बुलाया, अपना सब कुछ छोड़कर मसीह में अपना पूरा जीवन चलते रहे। पतरस जैसा बंदा जो मौत से डरता था, आखिरकार कहता है कि अब मुझको उल्टा लटका दो। शिगिर्दों को मौत की भी परवाह नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर की आदत को समझ चुके हैं। हालेलुया। उसने यदि मेरे लिए मौत भी एक दिन ठहराई है, और जिस किस्म की ठहराई है वो मौत भी मेरे लिए मुबारक है। ऊंची बुलाहट वाले के लिए क्या सिस्टम है? यदि खुदा मुझे मौत भी देता है,
यदि खुदा मुझे तंगी भी देता है, यदि खुदा मुझे मुसीबत भी देता है, यदि खुदा मेरी बीमारी को चंगा नहीं भी करता है, यदि खुदा मुझे दुख में भी रखता है, तो भी मेरे परमेश्वर की कोई ना कोई मेरे लिए भली योजना है। हालेलुया। इसीलिए वो अब्राहम की गोद में रखा गया, सारी उम्र वो एक अमीर आदमी के घर के बाहर डाले रखा उसको, लेकिन एक दिन भी उसने नाशुकरी नहीं की। हालेलुया। खूबी क्या थी उस भिखारी की? एक दिन भी उसने नाशुकरी का शब्द, वो यही शुक्र करता था, खुदावंद खुदा चाहे जैसा भी हाल है तूने एक बंदे के घर के बाहर मुझे रख दिया, चाहे उसका बचा खुचा ही खाने को मिलता है, परंतु मेरा पेट भर जाता है। हालेलुया। इसलिए फरिश्तों ने उठाया और अब्राहम की गोद में रख दिया, सारी उम्र ही रहा। तो अब ये जो लोग कहते हैं ना कि तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, इनको सवाल करो, उसके साथ परमेश्वर की दुश्मनी थी। और यीशु मसीह खुद बता रहा है उसकी जिंदगी के बारे में कि उसकी जिंदगी कितनी तंग हाल में गुजरी, लेकिन उसका जो सिस्टम था वो हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करता है। हालेलुया। सो दुख में रहे चाहे सुख में रहे, उसकी आदत को समझ आएंगे तो दुख और सुख जो है वो फिर सेम सेम नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर कोई गिला शिकवा, गिला अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे।